टीचर पे स्कूल में एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर हम बचपन में रोया करते थे, लेकिन आज जब इस स्कूल को सुन रहे हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं। दोस्ती का ना जनपद टीचर था, स्कूल दोस्ती करना जानता चीता था, कुछ नया सा रिश्ता जोड़ के वो जगह स्कूल। हर रोज टीचर को गुड मॉर्निंग टीचर का एक लंबा गीत सुनाते, वो छोटी छोटी बातों पर हार मिलियों कहकर सबको हटाते। पता नहीं अब कब देखने को मिलेगा आशिक का हीरो और ध्रुव की हवा बनाना। और आज जैसा कि आप जानते हैं, आज फेयरवेल पार्टी पर सभी कंटेस्टेंट का लगाया गया। लड़के नए नए हेयर कट को बालों में जेल लगा कर आए हैं। और बात करें लड़कियों की तो वो अपने अपने बालों को स्ट्रेट करके नई नई ड्रेस पहन के आई है। मैं हमारे टीचर के लिए कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं इन लाइनों में हमारे पूरे 10th क्लास के हुए बच्चों को गाइड करना चाहूंगा। जब शुरुआत में हम आए थे 10th क्लास में तो एक किस्सा हुआ था, वो सोनिका मैम को गुड मॉर्निंग ना बोलने पर सबसे डांट खाना। वो सीरिया मैम के मॉरल सेंस को याद करते हैं, जिंदगी के इस हिसाब से एक हिस्सा वो याद करते हैं। वो कामना मैम की खट्टी मीठी बातें, वो प्रिया मैम का बच्चों को प्यार से समझाना, इसी अदा से उनका सबका फेवरेट बन जाना। वो भानु मैम का क्लास में हिस्ट्री पढ़ाना और हर एक बात पे स्माइल कर जाना। वो सचिकांत सर का कप्पे को बाबू बनाना। वो वीर सिंह सर का क्लास में शायरी सुनाना। वो पवन सर का इसी के साथ जय जय भारत बोलना। वो आशा मैम की जीवन सीखने की संस्कृत और प्रवीण सर का मेन डायलॉग चमड़ी उदेश को बेटा उड़ा करना। Thank you so much.